पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के एक गुट की मीटिंग रात को होटल मानसरोवर पैराडाइज में आयोजित की गई, जिसमें एक पक्ष से जुड़े निर्यातकों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। मीटिंग में चुनाव के साथ ही एक्सपोर्ट कारोबार में नई चुनौतियों पर मंथन भी किया गया। अजय गुप्ता, मोहम्मद अब्बास, विनोद खन्ना, इकबाल शमसी, शफात अहमद खान समेत कई निर्यातक शामिल रहे। ऑडिटर के पद पर हेमंत अग्रवाल और विशाल अग्रवाल ने नामांकन कराया था। हेमंत अग्रवाल का पर्चा निरस्त कर दिया गया। विशाल अग्रवाल निर्विरोध ऑडिटर के पद पर निर्वाचित हो गए। संयुक्त सचिव तृतीय पद के एकमात्र प्रत्याशी हसन मोहम्मद गयूब का पर्चा भी खारिज कर दिया गया। उपाध्यक्ष तृतीय के पद पर अनुशेष सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए। विशाल अग्रवाल अब्दुल अजीम गुट के, जबकि अनुशेष सिंह नवेदुर्रहमान गुट के प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन में कार्यकारिणी सदस्य के 16 पद हैं, जबकि पदों के मुकाबले 36 निर्यातकों ने अपनी दावेदारी ठोकी है। कार्यकारिणी सदस्य बोर्ड मेंबर के रूप में जाने जाते हैं। दोनों गुटों की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाने से दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। कुछ प्रत्याशियों के नाम वापस नहीं लेने से भी संख्या बढ़ी है। हाँ सर, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन एडवांस रूलिंग भी बना की अल्टरनेटिव है हमारे पास, जिस पर हम जा सकते हैं। मैं जीएसटी के मुद्दे को लेकर जो शहर के सीनियर एडवोकेट है मिस्टर बेबनाव, उनको बुलाया था ताकि वो लोगों को आने वाली प्रॉब्लम्स में और चलती हुई प्रॉब्लम्स में अपडेट कर सके। जो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है 13 मई को, उसको लेकर क्या चर्चा की गई? उसमें एक तो ये जीएसटी का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। कोशिश तो हमारी ये है कि जीएसटी लगना ही ख़त्म हो जाए, और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारी एसोसिएशन पूरा जमदम एकजुट होकर, और जोर बहुत, लखनऊ जाना पड़े, मेरठ जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि ये हमारे यहाँ मुद्दा कारीगरों से लेके और एक्सपोर्ट कम्युनिटी तक वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। निर्यातक मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस मौके पर आप? निर्यातक मतदाताओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सोच समझ के वोट दें। जो बॉडी सचमुच 30-30 साल से 20-20 साल से एसोसिएशन की काम कर रही है, हमारे साथ तजर्बेकार लोग हैं, हमारे साथ मिड एज के लोग भी हैं जो भागा दौड़ी करते हैं, और हम जो है नए लोग भी लाए हैं अपने साथ, जिनको हम ट्रेनिंग प्रोसीजर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में रख रहे हैं। वो सब एजुकेटेड हैं, सब घर के खाते पीते हैं, जेबों से भरे हुए हैं, उनको सिर्फ एक ही इच्छा है कि खिदमत खल्क करें, और मैं भी इसी जोर शोर से लगा हुआ हूँ कि खिदमत खल्क होनी चाहिए, एक्सपोर्ट का भला होना चाहिए। बहुत मुद्दे हैं एक्सपोर्ट के अंदर, फैक्ट्रियों के बहुत मुद्दे हैं, हमारे ड्रॉबैक का बहुत बड़ा मसला है। अगर ये चीज़ छोटे छोटे मसले करके अगर ऐसा नहीं करा हमने, तो हमारी सारी एक्सपोर्ट की कम्युनिटी हल्के हल्के वैनिश हो जाएगी। आपके ऑडिटर पद के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं विशाल अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो चुन लिए गए उसको हम इस बात का बढ़ावा देना चाहेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल लीगल थी, और जो इलेक्शन ऑफिसर था कम से कम वो ऑनेस्ट था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।